मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे, वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे। बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ नांडू नबे, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस। और जोड़ो कंगालों से रिश्ता, हमने तो पहले ही मना किया था। हाँ, हम जानते थे नहीं निभा पाएंगे ये लोग, छोटे घर में रहने वाले छोटी सोच के लोग। हाँ, अपनी बेटी की शादी में ऐसी घटिया हरकत कर दी इन लोगों ने, नाक कटा के रख दी सबके सामने हमारी। इन्हें जानता कौन है, लेकिन हमारा नाम है बनारस में माता जी, लोग तो इन मुंबई वालों की वजह से थूकेंगे हम पर। जीजा जी साहब को तो हम किसी तरह मना लेते, लेकिन ये सोनी जी, इन्होंने मोहर लगा के बट्टा लगा दिया हमारे नाम पर। अम्मा, अम्मा, बुलाया आपने हमें? हमें लगा बुलाने की नौबत नहीं आएगी मुन्ना तुम्हें, तुम खुद आकर हमसे बात करोगे। लेकिन नहीं, तुम तो मुंबई वाली को समझाने में लगे हुए थे। हाँ, नाक कट गई है हमारी यहाँ पर, नकली गहने दिए उन्होंने, फंसाया है हमें। ऐसी बात नहीं है अम्मा, हमें तो लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। हाँ मुन्ना, उन लोगों की हर गलती को तुमने हमारी गलतफहमी साबित करने की हानि ली है, तो हम क्या कह सकते हैं? मुंबई वाली ने ऐसा जादू चलाया ना तुम पर कि ए जौनपुर वाली, ये अपने मतलब की बात छोड़कर उस बिचारी को काहे कोस रही हो? अरे मुन्ना से जो पूछना सीधा क्यों नहीं पूछती, क्यों जलेबी की तरह बातों को घुमा रही हो? पूछना क्या है माता जी? हाँ, अब इतना बड़ा सच सामने आ गया है तो आप ही बताइए आगे हमें क्या करना है। उन मुंबई वालों से बात करके? बात करने की क्या जरूरत है? कमाल कर रहे हो मुन्ना, हद कर दी तुमने। हाँ, घर की बहन बेटियों को नेग में सोने का पानी चढ़ाए हुए गहने दिए और हम पूछेंगे भी नहीं। पर आपने गहने मांगे क्यों? सुना सुना माता जी, सुना आपने, आपका पोता हमें मंगती कह रहा है, हमें मंगती बोल रहा है। अभी बहू का आए हुए दो दिन नहीं हुए और हमारे बेटे के तो रंग ही बदल गए, अपनी अम्मा को मंगती बोल रहा है ये। ऐसा क्यों बोल रही है अम्मा, हमने ऐसा तो नहीं कहा ना? तुमने जो कहा ना मुन्ना, उसका यही मतलब निकलता है। और सुनो, हम उनसे कुछ मांगने नहीं गए थे, समझे? गौरी की आई ने हमसे रिवाज पूछे, हमने वही बताए उन्हें। तब भी हमने उनसे 100 बार पूछा था कि बहन जी, अगर आपसे नहीं हो सकता तो हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन नहीं, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और नकली गहने पकड़ा दिए। हाँ, फसाया है उन लोगों ने हमें। कौन किसे फसा रहा है जी? कहीं है, तुम्हारा काम तो नहीं है जौनपुर वाली है? का है कि तुम्हें अपने संबंधी से खास लगाव है और उन्हें नीचा दिखाने के लिए तुमने ही कोनो गड़बड़ की होगी। बस यही बचा था माता जी, बस यही बचा था सुनने के लिए। हे भोलेनाथ, तूने हमें उठा क्यों नहीं लिया? माता जी, आप हमें 100 जूते मार लेती, लेकिन ये बात सुनाई आपने हमें, इतनी सेवा की हमने आपकी, और आप हमें ऐसा कह रही है? क्योंकि हमें अच्छे से याद है कि हमने जो लिस्ट दी थी उसमें हमने बहन बेटी के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखवाया था। और अगर हमारी दी हुई लिस्ट तुमने उन्हें दी थी तो फिर उन लोगों ने काहे तुमसे रीति रिवाज पूछा अलग से? वो हाँ, हम क्या जाने माता जी, जरूर उन्हें किसी ने बताया होगा, तभी तो उन्होंने हमसे पूछा। हमने उन्हें सिर्फ रिवाज बताए थे, कुछ मांगा नहीं माता जी। और उनसे मांगते भी क्या, मंगतों से? पहले तो हमें लगा
कि सिर्फ निशा ही चोर है, लेकिन नहीं, निशा ही क्या पूरा खानदान चोर है। बस अब अगर तुमने बहू के बारे में और उसके खानदान के बारे में एक भी शब्द कहा ना, कुछ भी बात की, तो हमें भी अपनी बहू के खानदान के बारे में बात करनी पड़ेगी। और अगर हमने बात की तो तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी, समझी तुम? ये दोष देना, ताने कसना बंद कर दो। और मुन्ना तुम जाकर ठीक से देखो, हैं? अब इन्होंने सोने के हार का कहा है तो दिया होगा उन्होंने, हैं? ऊपर नीचे सामान करके देखो, मिल जाएगा। जी दादी जी, देखते हैं। हाँ जी बोलो, क्या हुआ? पंडित सोनी जी के यहाँ से अभी के अभी गहने लेके आओ। भी मैं तुम्हारी सुहागरात तो कल है ना, तो फिर आज क्यों? जितना बोला गया है उतना करो, अपनी अकल मत लड़ाओ तुम। क्यों, तुम्हारे बाबूजी का राज चल रहा है, टाइम देख रहे हो, हैं? दुकान खुली है क्या अभी? तो खुलवाओ अभी, अभी के अभी लेके आओ, ठीक है? और यहाँ पहुँच के फोन करना हमें। हाँ ठीक है, देखते हैं जो भी होता है। इनका सही है, सुहागरात ये मनाए और आसमान से तारे हम तोड़कर लाए इनके लिए। अरे कुंवर 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 कुंवर, तुम 100 साल जियोगे यार, तुम्हें याद करे तो और तुम हाजिर, तुम ही हमारे सच्चे दोस्त हो। चलो। कहाँ? अरे शिव का एक बहुत जरूरी काम है जो तुम्हारे बिना नहीं हो पाएगा, बहुत ही अर्जेंट है, चलो। बे नौकर नहीं लगे तुम्हारे, ठीक है? अर्जेंट फर्जेंट हमें मत बताओ। ए, रुको ना, अपने लिए कहाँ कह रहे हैं, शिव के लिए कह रहे हैं ना, अर्जेंट है, चलो ना। काम क्या है? अरे वो सोनी जी के यहाँ से गहने उठाने हैं, कुछ नहीं। किस टाइम पे? हाँ दुकान खुलवानी पड़ेगी, चलो। अबे क्या दुकान खुलवानी पड़ेगी, शादी वो करे और भुगते हम। बेटा तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी पूरी जिंदगी ना शिव का फैलाया रायता समेटने में जाएगी। हाँ अभी तुम चलो चलो। भैया जब हमारी इतनी बेइज्जती करवानी तो हमें शादी में बुलाया क्यों? हमने नहीं कहा था मुंबई वालों से कि हमें कुछ दो? अगर देना ही था तो कुछ ढंग की चीजें देते। हमारी पड़ोसन अपने भतीजे की शादी से वापस आई है, उसे ढेर सारे गहने मिले हैं, 25,000 की साड़ी मिली है, कान के झुमके मिले हैं, चूड़ियां मिली हैं, पेटियां भर के सामान मिला है उन्हें, और हमें हमें क्या मिल रहा है? ये पीतल का हार। अरे गोमती, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो बहनों को मान सम्मान करते हैं, उनको दान दहेज देते हैं। पर तुम्हें तो यहाँ ससुराल में कोई पूछता तक नहीं। और भाई साहब मुझे भीख में ये सब उपहार लेने का शौक नहीं है। और प्रकाश बाबू इस मामले पर कुछ प्रकाश डालेंगे आज का कहीं? हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। वो हमने बात की हमारी माता जी से, मम्मी जी से, वो बहुत गुस्सा होगी, वो कह रही कि उर्मिला को लेकर सीधे घर चले आओ। अब उर्मिला चलो। अरे ऐसे कैसे चल देंगे, आप तो कुछ भी कह रहे हैं। गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी से ही? कहने का मतलब ये कि अचानक ऐसे कैसे चलते, शादी ब्याह का घर है, ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकते ना। ये बात तो सही कही है तुमने। अरे क्या सही कही है प्रकाश बाबू, आप इस घर के दामाद हो ना, हैं? दामाद? किधर? अरे इसका तो मायका है ये, वो तो यहाँ की तरफदारी करेगी ही। अरे आप तो दामाद हो ना इस घर के, भूल जाते हो आप। बोलिए जी, वो दामाद है इसलिए समझदारी से काम ले रहे हैं, आप भी थोड़ा समझदारी से। हेलो, वाह मजनू बाबू, आप जीजा जी को समझदारी का पाठ सिखा रहे हैं। अरे आप क्या जाने पत्नी का अपमान, आपकी पत्नी तो क्या कही। देखिए ये इस घर की बेटी है और इसे हर समय हर तरह का मान सम्मान दिया गया है, इस तरह रूठने से कोई फायदा नहीं। जी जी आप ही समझाइए ना जी। ये मुझे समझाएगी? अरे आज तुम्हारी माता जी भी मेरे पैर छुए ना समझाने के लिए, तो मैं नहीं समझूंगा का कही। देखिए माता जी को, देखिए
देखिए जीजा जी, आप हमारी माता जी को बीच में मत घसीटिए। पहले ही कमरे में बैठी हैं, इस उम्र में इतनी शर्मिंदगी सहनी पड़ रही है उन्हें, परेशान है। हम है ना, आप हमें बताइए, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर है ना। मैया मेरे सपने में आई थी, मैं दर्शन करने आई हूँ। मैया मेरे सपने में आई थी, मैं दर्शन करने आई हूँ। तेरे दर्श को अखियां तरसत है, तेरे दर्श को अखियां तरसत है तू। मुंबई वाली हा? अरे आगे की लाइन बताओ हमें। तू श्रद्धा श्रद्धा प्यास, तू भक्ति की प्यास बुझा मेरी। क्या नहीं जाते ना? सॉरी दादी जी, मुझे नहीं आता, मैं वो। अरे नहीं नहीं, एकदम सही है, सही बैठ रहा है। देखो, तेरे दर्श को अखियां तरसत है, भक्ति की प्यास बुझा मेरी। मैया तेरे दर्श, मैया मेरे सपने में आई थी, मैं दर्शन करने आई हूँ। मैया मेरे सप... माता जी हम क्या कह रहे हैं, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। उर्मिला की मम्मी सास उसका जीना दुभर कर देंगी, अगर वो नहीं मानी तो उर्मिला को हमेशा के लिए मायके भेज देंगी। हम क्या करेंगे, देखिए हमारी धड़कन कितनी तेज चल रही है। अरे अपने अकल के घोड़े दौड़ाना बंद करो और बैठ जाओ, हमारे बेटे सब संभाल लेंगे। माता जी हम कैसे शांत बैठे, हमसे तो कुछ। माता जी अगर अगर वो लोग कुछ नहीं कर पाए तो, अगर वो उन्हें समझा नहीं पाए तो? क्यों, तुम्हें पूरा विश्वास है तुम्हारा पति और देवर दोनों नाकारा हैं? नहीं माता जी, हमने ऐसा नहीं कहा, हमारा ये। तो बैठ जाओ। और मुंबई वाली तुम भी ये सीख लो है कि जीवन में कौन हो भी परेशानी आए ना तो अपनी सास की तरह मत करना तुम। का है, इन्हें तो अपने पति पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। अरे इसीलिए तो यहाँ शांति से निश्चिंत होके बैठे हैं। देखो हाँ, मैया मेरे सपने में आई थी, मैं दर्शन करने आई हूँ। मैया मेरे सपने में आई थी, मैं दर्शन करने आई हूँ। माता जी ना जाइए, गोमती छोड़ दो हमको। अरे रुक जाइए, हम जाके रहेंगे। गोमती गोमती आप चिंता ना करें, हम सोनी जी से कहकर आपके पसंद का एक सेट बनवा देंगे, ठीक है? देखिए जी भैया की भी तो मजबूरी समझिए ना। जी जी जी, देखिए इसमें भैया की क्या गलती है, ये गलती तो उन मुंबई वालों ने की है ना। गुस्सा थूक दीजिए, मान जाइए प्लीज, मान जाइए। जी जी की बात मान जाइए ना। अरे ऐसे कैसे मान जाए मजलू बाबू है? अरे हमारी तो इज्जत की धज्जियां उड़ी है, लोगों को हमने हंसते हुए देखा है। अरे हम तो भूल भी जाएंगे पर लोग नहीं भूलने वाले, काकी भूल जाइए। जीजा जी आप चिंता ना करें, हम मिठाई के साथ चांदी के सिक्के बंटवा देंगे पूरे मोहल्ले में, लोगों की याददाश्त खराब हो जाएगी। अरे गोमती जी जी, इस बार की दिवाली पर तुमको जो सोने का सिक्का खरीदा था तुमने कहा था काकी? हाँ लेना तो था पर। ठीक है, आपके यहाँ मिठाई के साथ सोने का सिक्का भिजवा देंगे, ठीक है? देखा आपने, मैंने कहती थी कि हमारे बड़े भैया का दिल बहुत बड़ा है, अपनी बहन की ना बिना कुछ कहे ही दिल की बात समझ जाते हैं हमारे बड़के भैया। चलिए आप लोग बैठिए, हाँ बैठिए, बड़के भैया आप महान हैं, सच में आप देवता हैं। शिव भैया ये लोग तो कुछ ज्यादा ही। हम आपके दिल की बात समझ गए, आप बेफिक्र रहिए, संभाल लेंगे हम। एक मिनट आता हूं। कहां रह गए थे यार? लो ले आए तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर। ये रहा नेकलेस, बताओ इसे कहां रखवाएं? काम करो, पीछे के रास्ते से जाना और हमारा पर्पल बैग पता है? हाँ पता है, तो उसमें डाल देना और याद रहे कोई सबूत मत छोड़ना। हाँ वापस निकलते वक्त भी पीछे के रास्ते से ही निकलना, चुपके से। ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है, तुम सुहागरात का मनाओगे? जितना बोला जा रहा है उतना कीजिए ना। आते हैं हम, ठीक है?
बाबूजी, चाचा, हाँ, बाबूजी, वो निशा वहीनी का फोन आया था। वो कह रही थी कि उसी बैग में नीचे है असली हार, नकली हार तो गलती से आ गए थे। मीतू जी के हैं, वो गौरी जी के दोस्त हैं उनके। लो, मैं तो पहले कह रहा था कुछ गड़बड़ है। हम लोगों ने खाम खाई बात का बतंगड़ बना दिया था। हाँ, हम तो बिना बात का बतंगड़ बनाते हैं काकी, हैं? अरे जीजा जी, छुट्टे के कहने का ये मतलब नहीं था। अब तो सब ठीक हो गया ना? ठीक हुआ नहीं है, ठीक होने की खबर आई है। हाँ तो देख लेते हैं ना। दीदी आप साथ में चलिए। मुन्ना, हम सभी देखने चलेंगे। हाँ? पता नहीं पंडित ने काम किया भी है या नहीं। क्या हुआ मुन्ना, क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं, वो हम बैग लेके यहीं आ जाते हैं। ठीक है, जाओ लेके आओ। पंडित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हमाजी, वो हम शिव से मिलने आए थे, वो दिखा नहीं तो बस घर जा रहे थे, कुछ नहीं। यहाँ से? हाँ, वो यहाँ पे जो है ना, वो क्या था कि बस करो पंडित, मुन्ना की शादी हो गई, अब तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं है, छोड़ दो उसका पीछा। और सुनो, ये मुंह उठाकर इस तरह घर में आना और उसे बुलाना दोनों बंद कर दो, वरना इस मोहल्ले में आना बंद करा दूंगी तुम्हारा, समझ गए? जी हम की दादी समझ गए। पंडित, पंडित आ गए तुम? ये शिव कहाँ थे यार, तुम तो मिलते ही नहीं हो यार, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि हम तो निकम्मे हैं, हमें कोई काम का ही नहीं है, और तुम तो शादीशुदा कामकाजी आदमी है ना। बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, काम हुआ है कि नहीं? काम हो गया है, ऊपर से ताली को क्या खिलाया है, तुमसे बड़बड़ाई जा रही। क्या काना फूसी कर रहे हो? अरे दादी कुछ नहीं, दादी वो शिव से मिले नहीं थे तो उससे बात कर रहे थे। हाँ। बोलो ना शिव, बोलो। हाँ भैया, जल्दी आइए। हाँ आए, चलिए। शिव वो कोना खान कहाँ से जाए? जहाँ से आए थे वहीं से जाओ ना। शिव भैया बैग लाइए। दीदी अच्छे से देखिए ना, वहीं पे होगा। हाँ अरे ठीक से देखो, मिल जाएगा। अरे शिव भैया हार मिल गया। ये लो, मिल गया ना। अरे कोई भी चीज शांति से ढूंढोगे तो मिल ही जाएगी। जाने दो अम्मा, कोई बात नहीं, मिल तो गया ना। और इसमें बहुरानी के मायके वालों की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती ना उस सरला की वजह से हुई है, सारी गड़बड़ी उसी की वजह से हुई है अम्मा। पर बुआ जी, हमने क्या किया? हम तो वो, तुम चुप बैठो, समझी? गई भैंस पानी में, हमारा तो सोने के सिक्के का नुकसान हो गया ना काकी। लीजिए चेक करिए तो कि इस बार नकली तो नहीं है ना। तुम छुटन, ये सब सामान अंदर रखो। उर्मिला लो बेटा सब, ये चलो अंदर लेके चलो। होगी ना प्रॉब्लम सॉल्व बनारसी तरीके से? आई हरकत नहीं, मी पण हळू हळू शिकून घेईन बनारसी स्टाइल विथ मुंबई ट्विस्ट। असली तो है ना?
मधुमा ही आपके लिए किया है हमने, जिससे आपको बुआ के ताने ना सुनने पड़े।